हेलो फ्रेंड्स, गांव की सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको चार कली पेटीकोट की कटिंग बताएंगे। तो यहां पर हमने 2 मीटर पेटीकोट का कपड़ा ले लिया है। तो इस वीडियो में हम आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में स्किप ना करिएगा। तो सबसे पहले हम कपड़े को बिछा लेंगे। तो यहाँ पर हमने कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। तो यहाँ पर ये किनारी वाला भाग सीधा है, तो हम इसमें से सबसे पहले बेल्ट निकालेंगे। तो हमारे पेटीकोट की फुल लंबाई, फिटिंग लंबाई 34 इंच है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बेल्ट 2.5 इंच का निकालेंगे और 1/2 इंच सिलाई के लिए। तो यहाँ पर हम 3 इंच का बेल्ट निकालेंगे। तो इसे हम सबसे पहले इस तरह मोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हम 3 इंच नाप कर लेंगे। तो ये हमारा 3 इंच हो गया है। तो इस तरह हम इसे दबाकर कपड़े को अच्छे से दबाते हुए प्रेस कर लेंगे। अब इसको हम काट कर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कमर बेल्ट की हमारी फुल गोलाई रेंज 36 इंच है। तो 36 का आधा 18 इंच। तो यहाँ पर ये 18 इंच हमारा कपड़ा परफेक्ट है। तो हमें यहाँ पर कोई जोड़ नहीं लगाना है। तो ये हमारा बेल्ट कट कर रेडी हो गया है। यहाँ पर हम कपड़े को इस तरह फोल्ड लेंगे और यहाँ से ये कोरी वाला जो भाग है तो इसे हम 1 इंच तक कट करेंगे। यहाँ से हम डोरी निकालेंगे। तो इस कपड़े को और इस कपड़े को इस तरह फाड़, एक झटके से हमें फाड़ना है ताकि हमारा कपड़ा तिरछी ना फटे। तो ये हमारी डोरी निकल गई है। अब हम कपड़े को डबल फोल्ड करके अच्छी तरीके से बिछा लेंगे। तो यहाँ हमने कपड़े को चारों तरफ से अच्छे से फैलाकर बिछा लिया है। सबसे पहले हम लंबाई की नाप करेंगे। तो हमने वहां पर 2.5 इंच बेल्ट को निकाल कर रख लिया है। अब हमें नीचे का 32 इंच लेना है। तो 2 इंच हम मोहरी बनाने के लिए लेंगे और सिलाई के लिए 1.5 इंच मोहरी और 1/2 इंच सिलाई। तो हमें कुल 34 इंच लंबाई इसकी नाप करनी है। तो यहाँ पर हम 34 इंच नाप करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़े हैं हम उन्हें काट कर निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारी लंबाई 34 इंच परफेक्ट है। तो अब हम यहाँ पर नाप करेंगे। तो ये जो हमने बेल्ट को कटिंग करके रखा हुआ है तो इसे हम इस तरह देखिए, ये हमारा डबल फोल्ड है। इसे हम फिर से एक बार मोड़ेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह एक साइड एक कोने में हम रखेंगे और यहाँ से सिलाई का मार्जिन देते हुए इस तरह हम 1/2 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब चलते हैं हम दूसरी साइड में भी निशान को लगाते हैं। अब यहाँ हम दूसरे कोने पर आ गए हैं। तो इस तरह हम यहाँ पर भी रखकर 1/2 इंच एक्स्ट्रा पे हम निशान को लगा देंगे। अब इस वाले बेल्ट वाले कपड़े को हम हटा देंगे और यहाँ इंची टेप को रखते हुए इस वाले निशान से हम इसको मिलाकर इस तरह हम चाप से इस तरह तिरछी लाइन हम बना लेंगे। तो ये रही हमारी चार कली पेटीकोट के निशान, जो हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया है। आपका नाप कुछ भी हो, आपको सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपको कटिंग को करना है। तो इस तरह हमने इंची टेप को रखते हुए निशान को लगा लिया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर कटिंग को कर लेंगे। तो इस तरह हम कपड़े को खोल लेंगे। इधर बंद साइड है तो इसे हम खोल कर अलग कर लेंगे।
अब हम दूसरे पल्ले को भी खोल लेते हैं, इस तरफ भी बंद साइड है। तो ये हो गए हमारे दो कली और ये हो गए हमारे दो कली, तो दो दो हो गए चार कली। तो ये हमारे चार कलियां हैं और ये हमारे बेल्ट है और ये हमारी डोरी है। तो ये चार कली पेटीकोट की कटिंग हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।